हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भले ही हीरोइन भाभी और माँ के रोल्स करने लग जाए उम्र के साथ साथ, लेकिन हमारा हीरो कभी भी बूढ़ा नहीं होता। और अगर हीरो एवरग्रीन देवानंद है तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता। देव आनंद की एक फिल्म में देव साहब के फादर बने थे उनसे 3 साल बड़े प्राण साहब, क्या आपको फिल्म याद है? आज उसी फिल्म के बारे में बात करूंगा। मैं हूं राहुल, दिस इज 70mm विथ राहुल। आज मैं जिस फिल्म की पहेली आपके सामने लेकर आया हूं वो फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी। फिल्म में देवानंद प्राण साहब के बेटे बने हैं, लेकिन रियल लाइफ में प्राण साहब देवानंद से सिर्फ 3 साल ही बड़े थे। इस फिल्म को प्रमोद चक्रवर्ती ने डायरेक्ट किया था, जो इस फिल्म से पहले तुमसे अच्छा कौन है या फिर लव इन टोक्यो जैसी फिल्म को डायरेक्ट कर चुके थे। और इस फिल्म में देवानंद और प्राण के अलावा थे अजीत साहब, दारा सिंह, ललिता पवार। और जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी उस वक्त देवानंद की उम्र थी करीब 50 साल। एंड टू नो वन सरप्राइज, देव साहब के ऑपोजिट इस फिल्म में थी उनसे आधी उम्र की हीरोइन जीनत अमान। क्या आपने फिल्म का नाम गेस कर लिया है? अगर नहीं तो कुछ हिंट्स और दे देता हूं। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर थे गुरुदत्त साहब के पेट कैमरामैन वीके मूर्ति, और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे आरडी बर्मन, गाने सारे लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। और इस फिल्म का एक गाना तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था, मुझे लगता है इस गाने को सुनने के बाद तो आप बता ही देंगे फिल्म कौन सी है। ये फिल्म 1970s की है, एक ऐसा टाइम जब देवानंद अपनी होम प्रोडक्शन नवकेतन की फिल्मों में ही काम करते थे। लेकिन ये फिल्म एक एनोमली है, थोड़ी अलग थी। देव आनंद एक बाहर की प्रोडक्शन में काम कर रहे थे, एक ऐसी फिल्म जिसमें अपने से 3 साल बड़े प्राण साहब को देवानंद डैडी बोलते हैं। फिल्म का नाम वॉरंट। अगर पुरानी फिल्में और पुराने फिल्मी किस्से आपको पसंद हैं तो क्या कर रहे हो, तुरंत उस सब्सक्राइब बटन को दबाओ ताकि हमारा अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। देवानंद फैंस, इस वीडियो को देखना मत भूलना। टाटा।